सामाजिक संस्था इनरव क्लब आरोही चांदपुर द्वारा क्लब अध्यक्ष श्रीमती नीरू गुप्ता के निवास स्थान पर चेयरमैन विजिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद से आई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सोनल भाटिया चीफ गेस्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अंशुल अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 10 प्रोजेक्ट सामाजिक सेवा के अंतर्गत किए गए। एक जरूरतमंद महिला को रोजगार देकर 200 कपड़े के थैले बनाए गए। क्लब के द्वारा प्रतिवर्ष सिलाई की क्लास चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत 2 सिलाई मशीन क्लब को दी गई। एक महिला के पुनर्विवाह के अंतर्गत 5100 रुपये नकद एवं जरूरत का सामान दिया गया। सिलाई मेहंदी ब्यूटीशियन कक्षाओं के अंतर्गत लड़कियों को पुरस्कार एवं छाते वितरित किए गए। पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान कर उन्हें पौधे वितरित किए गए। जरूरतमंद लड़कियों को स्वच्छता के अंतर्गत सैनिटिंग नैपकिन एवं मास्क दिए गए। स्त्री सशक्तिकरण के अंतर्गत सिलाई मशीन देहरादून निवासी शारदा गुप्ता के द्वारा प्रदान की गई। एक बच्ची को पूरे साल की फीस तथा एक परिवार को राशन दिया गया। कार्यक्रम में अंजू त्यागी, भारती सिंह, डॉक्टर लीना शर्मा, नीलिमा त्यागी, प्रिया बस्सी, भावना बस्सी, ज्योति नीलू, नीलम गुप्ता, नीलम चौधरी, आदेश भाटिया, नमिता अग्रवाल, डॉक्टर वर्णिका, डॉक्टर विनीता, शिल्पा मनिका आदि का सहयोग रहा। 24 न्यूज इन इंडिया जनरल इन चीफ विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैम का स्वागत करने के लिए तत्पर है, लेकिन मैं किससे पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा हमें मदद की हो सकती। मुरादाबाद से हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सोनल भाटिया जी आई हुई हैं और उन्होंने हमारे क्लब के सभी प्रोजेक्ट्स फाइल्स जो चीज़ें सारे पोस्ट होल्डर्स का काम देखा है उन्होंने और बहुत प्रसन्न है कि सभी का कार्य बहुत अच्छी तरीके से है। विस्तृत जानकारी दी है उन्होंने फाइल्स में और इस क्लब में हमने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि क्लब का मोटो है कि मित्रता और सेवा, समाज सेवा, तो हम फ्रेंडशिप भी निभा रहे हैं सबके साथ और समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि कुछ कार्य हम अच्छा कर सकें। इसमें हमने 16 लड़कियों को सिलाई का कोर्स कराया और ब्यूटीशियन का कोर्स कराया और मेहंदी लगानी सिखाई थी। आज हमने उन सभी लड़कियों को जो कोर्स कराए थे वो सभी बहुत पारंगत हो गई हैं और अपने कपड़े खुद सिल रही हैं और उस सिलाई को वो अपनी आजीविका का साधन बनाने के लिए भी तत्पर हैं।